शुरू से शुरू करते हैं तो एक जो हमारा ओम का उच्चारण है सिंपली ओम है या ओम नमो शिवाय है तो हर चीज एक आपकी बॉडी में एक अगेन हर चीज एनर्जी और वाइब्रेशन क्रिएट करती है मेरी बॉडी में एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी क्रिएट कर देती है तो वो जो है वो हर चीज जो है अलग अलग उस पर इफेक्ट करती है क्योंकि यहाँ पे हम अपनी बॉडी की जब बात करते हैं कि मेरी बॉडी में वो कैसे इफेक्ट करती है तो यहाँ पे आप मेनली जो समझते हैं दैट इज सेवेंटी परसेंट मेरी बॉडी का वाटर एलिमेंट है और थर्टी परसेंट बाकी सॉलिड मटेरियल्स हैं जिन जिनमें बाकी सारी चीज़ें आ जाती हैं कार्बोहाइड्रेट्स बाकी सारे सारी है ना फैट्स है प्रोटीन्स हैं वो सारी चीज़ें आ जाती हैं तो जो सेवेंटी परसेंट वॉटर है तो वाटर में जब भी हम कोई छेड़छाड़ करते हैं जैसे जैसे आपने देखा होगा कि हम पत्थर मारते हैं किसी ठहरे हुए पानी में पत्थर मारोगे तो आप आप तो देखोगे वो लहरें उसमें पैदा होनी शुरू हो जाती हैं तो मंत्र उच्चारण का भी सेम इफेक्ट होता है हमारी बॉडी में जैसे कोई बीमार भी होता है तो हम बोलते हैं कि आप ये पाठ पूजा करो तो हमारा सनातन धर्म इतना रिच है कि उन्होंने अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए अलग-अलग मंत्रों की है ना दी हुई है जैसे गायत्री मंत्र है आपने डेली हेल्दी रहना है तो गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो गायत्री मंत्र का जब आप जाप करते हैं तो आपकी बॉडी एनर्जेटिक रहती है तो सूर्य भगवान को उन्होंने डेडिकेट किया हुआ है गायत्री मंत्र